Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 14 January. So let's get started. आज हम लोग ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसको डिटेल में देखेंगे और न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ ही देखेंगे. ओके, अर्लियर आई थॉट कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में करेंगे संडे को, बट आई एम कीपिंग संडे ऑफ बिकॉज अभी तक हमने 6 या 7 सेशन किए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, बट ऐसा कोई ज्यादा ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं है कि हम संडे को भी उसको कराएं. ओके, तो अभी तक तो एटलीस्ट ऐसा कोई ग्रेट रिस्पॉन्स नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन संडे. ओके, तो मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसी के पैरेलली एक और बॉडी चलती है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. ओके, इनके बारे में डिटेल यहीं पे, दैट इज हमारा न्यूज़पेपर एक्स्ट्रा जो होता है उसी में करवा दूंगा. ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो आपका प्राइवेट चैनल है जिन सब्सक्राइब स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा आपको. राइट, तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जयशंकर टू विजिट ईरान अमिड इसराइल टेंशन. अब देखिए, ईरान जब से ये वॉर शुरू हुई है ना गाजा में, तब से पहली बार हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वहां गए, तो इसका रेलेवेंस समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों. देखिए, मेन रीजन है कि हमारे यहाँ पर जो हमारी कमर्शियल इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या कंप्लेन किया था कि यहाँ पर जो सी वेसल पे अटैक हो रहे हैं तो हमें ज्यादा नेवी की जरूरत है, हमें ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमारे वेसल्स पे अटैक हो सकता है. ओके, तो अब ये जो रेड सी में जो अटैक कर रहे हैं वो कौन है? हाउदी रेबल्स, राइट, और दे आर सपोर्टेड बाय ईरान. ठीक है, अब ये जो हाउदी रेबल्स है ना, ये रेड सी में रशियन वेसल पर अटैक नहीं करते. ठीक है, दे आर नॉट अटैकिंग द रशियन वेसल. व्हाई? बिकॉज ईरान इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ रशिया. ठीक है, बिकॉज दोनों का एनिमी एक ही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली कहानी है, दोनों का एनिमी एक ही है, यूएसए. ठीक है, तो ईरान हाउदीज को सपोर्ट करता है और रशिया के ईरान के साथ अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए ये जो हाउदी रेबल्स हैं वो रशियन वेसल पर अटैक नहीं करते हैं. ओके, तो वैसे ही कुछ मोटिव हमारा है कि ईरान के साथ हमारा भी कोई पर्सनल इशू नहीं है. ठीक है, हमने उनके साथ ऑयल ट्रेड जो था उसको कम किया, हमने रिड्यूस किया बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शन. और ऐसा नहीं है कि हमको यूएसए के सैंक्शन से दब रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम उनसे ऑयल ले भी लें तो डॉलर में पे कर नहीं सकते क्योंकि वहां पर सैंक्शन लगे हुए हैं. ठीक है, और हमारा जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसमें ईरान ट्रेड करने को एक लिमिट से ज्यादा तैयार नहीं था. ठीक है, बट कहीं ना कहीं यूएसए के सैंक्शंस का एक इन्फ्लुएंस हो है. बट लुक एट दी चाइना, ठीक है, वो अब भी इसके साथ ऑयल ट्रेड करता है ईरान के साथ. ठीक है, वो नहीं दबा यूएसए सैंक्शन से. उसका एक रीजन ये भी है कि चाइना की जो करेंसी है वो ईरान एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आज वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना से ही हो रहा है हर कंट्री का लगभग. ठीक है, तो चाइना की करेंसी कहीं भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, बट इंडियन रुपी उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है. ठीक, बट ये जो विजिट है ये मोस्टली है बिकॉज ऑफ दिस हाउथी रेबल्स, ताकि ईरान के साथ एक वो रेपो बनाई जा सके कि हमारा जो ट्रेड चल रहा है रेड सी में, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा अनहिंडर्ड अनरेस्ट्रिक्टेड वे में चलने दीजिए. ओके, इंडिया का ईरान के साथ ऐसा कोई पर्सनल इशू नहीं है. और तो इस रेलेवेंस में देखिए कि यहाँ पर जो विजिट हुई है फॉरेन मिनिस्टर की, ठीक है, यहाँ पर मॉस्को है, मॉस्क के बारे में है, तो ये लोग कह रहे हैं हम ताजमहल से बेटर बनाएंगे. बस ये ध्यान रखिए कि इन्होंने जो आर्किटेक्चर तैयार किया ना, पहली बार इंडिया में ऐसा होगा किसी मॉस्क में 5 पिलर यूज की जाएंगे या 5 इमारत यूज की जाएंगी, मीनार. ओके, पहली बार ऐसा होगा. दूसरा है कि इंडिया की जो सिटी है वडनगर गुजरात में, जहां से मोदी जी आते हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने कंटिन्यूटी ढूंढी है कि हाँ, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी थी और तब से लेके आज तक यहाँ पर रेगुलर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेशन रहा है ह्यूमन हैबिटेंट्स का. पाकिस्तान शर्ट थी की क्रॉसिंग एट अफगान बॉर्डर. अब इसमें ये याद रख लीजिए बस, तोरकम बॉर्डर. ठीक है, अगर कभी कल को मैच द फॉलोइंग में आ जाए प्रीलिम्स में, तो ये याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है, जो यहाँ पर कई बार लड़ाइयाँ हो जाती है आपस में इन लोगों की पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ. ठीक है, तो ये बंद करता रहता है पाकिस्तान बार बार. नेक्स्ट इज की ताइवान. ताइवान में फिर से जो प्रो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी पार्टी थी ना, उसी के लीडर वापस से जीत गए, जबकि चाइना ने क्लियर मैसेज दिया था यहाँ पर कि ये जो आदमी है ना, ही इज ए थ्रेट. ओके, इसको बहुत क्रिटिसाइज किया था चाइना ने, बट उसके बाद भी वहां की जनता ने प्रो डेमोक्रेटिक लीडर को ही चुना है. अब देखिए जरा यूएसए का स्टैंड. अब चाइना का डोमिनेंस देखिए कि यूएसए ताइवान को सब कुछ देता है. ठीक है, उसके साथ अच्छे रिश्ते भी रखेगा, ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, वो एक अलग रीजन है, तो किसी के भी नहीं है वर्ल्ड में ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ड्यू टू चाइना. ओके, तो यहां पर वो आर्म्स तक सप्लाई करता है, इसको एक सिक्योरिटी गारंटी तक देता है कि अगर चाइना कभी इन्वेट करेगा तो हम आपकी मदद के लिए हैं. बट फिर भी यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, ही सेड दैट यूएस डज नॉट सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ताइवान. ओके, दो यूएस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बैकर एंड आर्म सप्लायर डेस्पाइट लैकिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज. ओके, तो ये बाइडन का स्टेटमेंट है, यह कह सकते हो यूएस का स्टैंड है. बट जब ट्रंप जैसा कोई प्रेसिडेंट रहता है ना, या तब इनके अलग ही तेवर होते हैं.
एनीवे इनका कहना है कि वी आर डिटरमिन्ड टू सेफगार्ड ताइवान फ्रॉम कंटिन्यूइंग थ्रेट्स एंड इंटिमिडेशन फ्रॉम चाइना. वो चाइना ताइवान स्ट्रेट में अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता रहता है, कभी फाइटर प्लेन्स आगे पहुंचा देता है एंड सो. यहाँ पर ईडी ने अरेस्ट किया है कुछ लोगों को विद रिस्पेक्ट टू पेपर लीक केस जो राजस्थान में हुआ था. तो देखिए, ये सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, ये लगभग हर स्टेट में हो रहा है. ठीक है, मतलब ये इंडिया चाहे कितना भी क्लेम कर ले, हर गवर्नमेंट हर पार्टी कितना भी क्लेम कर ले, पर सच्चाई यही है कि यहाँ पर जेन्युइनली कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो ईमानदारी से कंडक्ट भी नहीं किए जा सकते. ठीक है, जैसे पटवारी स्कैम हुआ था एमपी में, व्यापम घोटाला हुआ था. ठीक है, मेडिकल सीट्स बेची गई, टीचर्स की सीट, ये हर स्टेट में होता है. राइट, तो बात ये है कि आप ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कर पाते, और फिर ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो ठीक. तो कहीं ना कहीं बात बस ये है कि जिस तरीके से आप सीवियर क्राइम मानते हो ना, रेप और ये सब, ठीक है, कई बार पेपर लीक होता है, मेहनत करने वाला बच्चा रह जाता है, तो वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ जाते हैं. ठीक है, ऐसे कई सुसाइड के केसेस हर जगह मिल जाएंगे आपको, जहां बच्चे ने डिप्रेस होकर किया है, क्योंकि मेहनत भी की, सब कुछ किया, बट एग्जाम में धांधली हो गई. राइट, तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक है उसे भी उतना ही सीवियर क्राइम की कैटेगरी में लाने की जरूरत है. उसे भी एक सीवियर क्राइम में ही होना चाहिए, और उसके लिए भी कम से कम लाइफ इंप्रिजनमेंट जैसी रिग्रेस पनिशमेंट होनी चाहिए. ओके, ये कोई छोटा इशू नहीं है पेपर लीक, क्योंकि कहने के लिए तो लोग कह देते हैं वो तो होता रहता है, सभी गवर्नमेंट में होता है, सभी पार्टीज में होता है. हाँ होता है, ठीक है, लेकिन ये कई बच्चों की जान भी ले जाता है. आगे चलते हैं. ये देखिए, वो विलेज था ये जहां पर वो तीन सिविलियंस को आर्मी ने टॉर्चर किया, इस तरह के केस सामने आए. तो फाइनली आर्मी ने यहाँ पर इनके साथ गुडविल दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए कहा, आर्मी हैज अडॉप्टेड दिस टोपा पीर विलेज. द आर्मी हैज अडॉप्टेड टोपा पीर विलेज इन पूंछ एज ए मॉडल विलेज अंडर सद्भावना स्कीम. ओके, क्योंकि ये अलीश टॉर्चर जो आया था कुछ सिविलियंस का, ठीक है, उसके बाद से थोड़ा सा जो गुडविल थी अमंग गुज्जर्स एंड बकरबास, वो थोड़ी कम हुई है आर्मी की. ठीक है, तो उसी के लिए इन्होंने ये किया है, और जो आर्मी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा रहा है. क्योंकि देखिए, कहीं भी आपको कोई बैटल या वॉर जीतनी होगी ना, तो वो वहां की लोकल पॉपुलेशन के सपोर्ट के बिना आप नहीं जीत सकते, दैट्स नियरली इम्पॉसिबल. तो आपको वहां पर एक गुडविल बना के रखना बहुत जरूरी है. ये यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे रिस्पेक्ट, इनके रिस्पेक्ट में कुछ बातें हुई है. अच्छा, ये क्या होता है कि रिसीव डिटेल्स फ्रॉम इंडिया ऑन सोशल सिक्योरिटी. अब देखिए, वहां पर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, उनको कंपल्सरीली जरूरी हो जाता है कि वहां की सोशल सिक्योरिटी जो भी स्कीम वगैरह चलती है ना, उसमें अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज उनको देना होता है. जबकि सच ये है कि वो 2-3 साल के लिए वर्क के लिए गए हैं, ऑब्वियसली बात है उन्हें वापस आ जाना है अपने देश, अमेरिका में तो रहना नहीं है. ठीक है, तो जब वो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट मिलेंगे फ्यूचर में, तब तो वो वहां होंगे नहीं. ठीक है, तो वो पैसा वेस्ट जाता है एक तरीके से. तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, या करना चाहता है इंडिया, दैट एन एक्सपेट्रिएट इन ईदर कंट्री नीड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ द होस्ट कंट्री. इट विल बेनिफिट ए नंबर ऑफ इंडियंस, पर्टिकुलरली फ्रॉम द आईटी सेक्टर हु आर वर्किंग इन अमेरिका एंड पेइंग सोशल सिक्योरिटी बट अनएबल टू गेट एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट. क्योंकि वो तो बाद में इंडिया आ जाएंगे. जैसे कि एग्रीमेंट साइन किया गया था कि एटलीस्ट आप इस तरह का कुछ अरेंजमेंट कीजिए कि उन लोगों ने वहां पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया ना, वो जब वापस इंडिया आ जाए तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो भी ट्रांसफर होकर इंडिया लाया जा सके वापस उनके थ्रू. ठीक है, ताकि उसका बेनिफिट उनको इंडिया में मिल सके, सेम जो अमेरिकन यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी. राइट, उसके बाद इंडिया का जो इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है आईटी हार्डवेयर के लिए, जैसे पहले हमने लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, फिर इसका क्रिटिसिज्म हुआ, और फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि ठीक है कर लेना, लेकिन लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपने किस कंट्री से किया है. ठीक है, आपको ये डिटेल्स देनी होगी गवर्नमेंट को, ताकि हम लोगों ने क्या कहा था कि आप फ्रेंडली कंट्रीज से ही इंपोर्ट करेंगे. अब यूएस वैसे तो फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है इंडिया, क्यों ये सब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई जा रही हैं. ठीक है, तो उसको लेकर ये इशू भी रेज किया गया. दूसरा, हम लोग पार्टनरशिप में क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड, हाईटेक प्रोडक्ट्स, इन सब में पार्टनरशिप. ओके, वो आईसेट वगैरह और ये सब मैंने पहले बताया आपको. इसके अलावा अमेरिका इज ऑल्सो लुकिंग एट ए ग्रेटर मार्केट एक्सेस फॉर प्रोडक्ट्स सच एस एलमंड्स, वॉलनट्स, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज. ठीक है, क्योंकि इंडिया जनरली अपना मार्केट एक्सेस इतनी जल्दी देता नहीं है, स्पेशली एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स में. इंडिया की कंसर्न है डिले इन द वीजा प्रोसेस फॉर इंडियन बिजनेस एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कल हुई उनके बीच. यहाँ पर एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है साबरीमाला में, दैट इज मकर विलक्कू. वैसे उम्मीद नहीं है कि ऐसी चीज आपसे पूछी जाएगी, बट ठीक है, जान लो. अब देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे गवर्नमेंट की तरफ से ही वायलेशन हुए हैं कि आपने डैम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया. केन बेतवा प्रोजेक्ट जो लिंक किया जा रहा है, देखिए, एक केन रिवर है, एक बेतवा रिवर है. ठीक है, और इसमें सरप्लस वाटर होता है जो कि कैनाल बना के डाइवर्ट किया जाएगा इसमें वाटर डेफिसिट रिवर में.
देखिए ये प्रोजेक्ट तो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो पूरा एरिया आता है बुंदेलखंड का, इसमें बहुत बहुत इश्यू है, पानी पानी का बहुत शॉर्टेज रहता है यहाँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरली जो रॉक है यहाँ का वो उस टाइप का है जिसमें आपके रवाइंस बनते हैं। ठीक है, बीहड़ वगैरह जो आप लोग कहते हो। ठीक है, तो मतलब हार्ड पत्थर है ये जो आप देख रहे हो उस तरह का। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर फैसिलिटी है नहीं, तो इसलिए ये रिवर्स लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट यहाँ पर क्या है कि ये प्रोजेक्ट काफी टाइम से कंसीव किया जा रहा है, बट यहाँ पर बिना एनवायरमेंटल नोड लिए ही गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है। केन बेतवा वाटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट वॉज फाउंड टू बी इन वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस लॉ। सेंटर हैज इन्वोक्ड अ सेट ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल ऑर्डर्स हुज लीगैलिटी इज बींग एग्जामिन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, 2013 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ लोअर और डैम। और डैम, ठीक है, ये डैम बनाया जा रहा है, बट इट हैज नॉट टेकन ए फॉर्मल क्लियरेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। राइट, और अब ऑलमोस्ट कंप्लीट के स्टेज तक भी पहुंच गया है वो। तो गवर्नमेंट खुद ही एनवायरमेंट लॉज को उतना सीरियसली नहीं लेती है। यहाँ पर ये शंकराचार्य, अब देखिए आप चार शंकराचार्य के बारे में आता रहता ना बार बार, जो शंकराचार्य जी ने चार मठ बनाए थे। ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका एंड ऊपर उत्तराखंड। ठीक है, और अलग अलग है। ठीक है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने आपके साथ एक लेक्चर नंबर 1 किया था प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का, उसे मैंने आपको सारे ये सब बताए थे, शंकराचार्य वगैरह मठ और उनके पहले प्रमुख एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर देखना है तो वहां से देख लेना। तो यहाँ पर अब ये है पुरी के यानी कि उड़ीसा के। ठीक है, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, इनका कहना है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एरियाज वॉज नॉट डिजायरेबल। कि जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं मोदी जी, तो इनको लगता है कि नहीं, क्योंकि स्कंद पुराण एक टेक्स्ट है। ठीक है, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए आपको मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त। ओके, तो इनका कहना है कि ये फॉलो नहीं किया जा रहा है और ये डिस्ट्रक्शन इन्वाइट करेगा। जयशंकर ने विजिट किया है ईरान में, हाउदी कंट्रोल, हाउदी वाला जो इशू है ना उसी वजह से ही किया है, मेन रीजन तो वही है। ईरान रिसेंटली इंक्लूडेड इंडिया अमंग कंट्रीज हुज सिटीजन विल नॉट रिक्वायर ए वीजा टू ट्रेवल टू द कंट्री। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ओके, ये आपका उसमें इंक्लूड कर सकते हो कि कैसे रिलेशन बेटर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ईरान ने वीजा फ्री ट्रेवल अलाउ किया है इंडियंस को। इंडिया कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक इन ईरान करमन दैट क्लेम्ड मोर देन 100 लाइव्स। और ये करमन पे अटैक हुआ था, मैंने आपको ये लोकेशन याद रखने को भी कहा था, ये वही है जो इनके जो मेजर मारे गए थे यूएसए एयर स्ट्राइक में, मेजर सोलेमनी। ठीक है, उन्हीं की जो बरसी पे लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर इस्लामिक स्टेट ने अटैक किया था। ठीक है, और क्यों किया था? बिकॉज ईरान इज ए शिया स्टेट। राइट, इस्लामिक स्टेट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सुन्नी स्टेट। ठीक है, और ये इनका मानना है कि नहीं, हमें ये सुन्नी जो है ईरानियंस, ठीक है, इनको बिल्कुल एनिहिलेट कर देना है। ठीक है, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको पहले समझाई हुई है, अगर आप रेगुलर डिस्कशन फॉलो करते हैं तो, कुछ दिन पहले ही समझाई थी। अब कल हमने एचपीवी वायरस के बारे में काफी सारी बातें जानी थी, मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जो आपको नोट डाउन करने चाहिए, बिकॉज जब आप ये करंट अफेयर मैगजीन वगैरह पढ़ोगे ना उसमें वो चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको न्यूज पेपर मिलती है, और यूपीएससी उठाएगा यही चीजें। ठीक है, पिछले 2 साल से वो यही मैसेज दे रहा है आपको। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दैट वी आर येट टू टेक ए डिसीजन ऑन स्टार्टिंग ए वैक्सीनेशन कैंपेन अगेंस्ट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ओके, दिया जाएगा 9 से 14 साल की लड़कियों को। एचपीवी सेरोटाइप 16 एंड 18 विच कॉज 70% ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये बातें कल हमने की थी अलग अलग वेरियंट के। सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वेमेन। ओके, नो नो, ये कुछ गलत लिखा है यहाँ पे। सर्वाइकल कैंसर इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन ओवरऑल। ओके, सेकेंड मोस्ट कॉमन इन वेमेन आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। ओके, एचपीवी वैक्सीनेशन हैज द पोटेंशियल टू प्रिवेंट मोर देन 90% ऑफ एचपीवी एट्रीब्यूटेबल्स एंड 125 कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस एचपीवी वैक्सीन। ठीक है, और फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस वैक्सीन वॉज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 2007 में, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं बॉयज को भी देता है। ठीक है, गर्ल्स को देने से एक फायदा ये होता है कि ये बॉयज में ट्रांसमिट नहीं होगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा और आगे गया, उसने बॉयज को डायरेक्ट देना भी शुरू की। यहाँ पे सेंटर कह रहा है कि हमें लेस नोन टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वेटलैंड्स, लाइक हरियाणा के सुल्तानपुर में है एक वेटलैंड। ठीक है, कुरुक्षेत्र मैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको प्रमोट करना चाहिए। विजयवाड़ा, इस तरह की चीजों को प्रमोट करना चाहिए, और इसके लिए हमें यूज करना चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से दुबई का सबसे ज्यादा प्रमोशन अगर कहीं हो रहा है तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही कर रहे हैं। वी वेंट टू दुबई, दिस फोटो शूट, दैट फोटो शूट, वी वेंट टू दुबई मॉल एंड ऑल दैट। ओके, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का अच्छा खासा रोल है, तो इनका यूज करना चाहिए गवर्नमेंट को फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म
इन द कंट्री इट सेल्फ, राइट। यहाँ पर इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड इन वडनगर, ठीक है, वडनगर आता है आपका गुजरात में। देर इज एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट दैट इज एज ओल्ड एज 800 BC, कंटेम्प्रेरी टू लेट वैदिक और प्री बुद्धिस्ट महाजनपद। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी यहाँ से डिस्कवर हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कॉइन्स मिले हैं, अभी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, कॉइन्स यूपीएससी के बहुत फेवरेट हैं। एक बार पूछा था, एक फनम, फनम नाम से पूछा था, ठीक है, वो कर्नाटका के बैंगलोर में उस टाइम म्यूजियम में दिखाया गया था, तो उसने वही क्वेश्चन उठा लिया था, ठीक है। यहाँ पे कॉइन्स मिले हैं ग्रीक ग्रीक किंग अपेलो डेटस के, वडनगर से, ठीक है। पीरियड बिटवीन कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ आयरन एज सिटीज सच एज गांधार, कौशल, अवंती इज ऑफन डिपिक्टेड एज डार्क एज। डार्क एज मतलब उस सब चीज को डार्क एज कहा जाता है जिसके बारे में हमें हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक एट सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक आपको पता ही है गिरनार हिल्स में बना हुआ है। कर्बी आंगलोंग, कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है असम की, ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइब्स रहते हैं और इनकी कई बार डिमांड भी रही है कि हमें अलग स्टेट बना के दो। डीजी यात्रा, डीजी यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी, ठीक है, कि ये वॉलेंट्री बेसिस पे लॉन्च किया गया था एयरपोर्ट्स पर, कि आपके जो एफआरटी टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाएगा, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा, फिर आपको चेहरा अपना एक कैमरे के सामने करना होगा, और फिर डीजी ऐप जो है, ठीक है, उस पे। लेकिन प्रॉब्लम जब हुई, जब यहाँ पर जो CISF के लोग हैं या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के जो लोग हैं, ये लोग खुद से कंसेंट देने लगे ऑन बिहाफ ऑफ पैसेंजर, तो जो चीज़ वॉलेंट्री थी उसको कहीं ना कहीं आपने इनडायरेक्टली मैंडेटरी बना दिया, ठीक है। तो इसको लेकर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्राइवेट स्टाफ वर कलेक्टिंग फेशियल बायोमेट्रिक्स एट एयरपोर्ट एंट्री गेट विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ द पैसेंजर, ओके। नाउ कंप्लेन क्या हुई है कि ये बहुत ही कोर्सिव और डिसेप्टिव मैनर में कलेक्ट किया जा रहा है, कि प्राइवेट स्टाफ और सीआईएसएफ पर्सनल वर एनरोलिंग देम फॉर डीजी यात्रा, ओके। या तो उनको उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है, ना उनसे कंसेंट लिया जा रहा है, उनका फेस आप स्कैन कर रहे हो कैमरे पे और उनके बिहाफ में आप एप्लीकेशन पे यानी ऐप पे कंसेंट दे दे रहे हो कि यस आई गिव माई कंसेंट, ठीक है। तो ये गलत हो रहा है, तो इसको लेकर कुछ कंप्लेन फाइल फाइल की गई है। तो हम जान लेते हैं कि डीजी यात्रा है क्या और ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। इट एम्स टू प्रमोट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर फॉर पेपरलेस एंड सीमलेस मूवमेंट थ्रू वेरियस चेक पॉइंट एट द एयरपोर्ट, ओके। सब चीजें डिजिटली हो जाए आपके फेशियल रिकग्निशन से, आपको हर जगह रुक के लाइन में लग के चेक ना करवाना पड़े। डीजी यात्रा पॉलिसी वॉज अनवील्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन 2018, ठीक है, बट वॉलेंट्री थी। फिर दिसंबर 22 में से 3 एयरपोर्ट पर, इसे 3 एयरपोर्ट पर स्टार्ट किया गया इंक्लूडिंग दिल्ली। अभी प्रेजेंट में ये 13 एयरपोर्ट्स पर लागू किया गया है, ठीक है, एक्सपेंड किया जाएगा 24 और भी एयरपोर्ट पर बाय 24। अब जो पॉइंट आपको याद रखना है दैट इज डीजी यात्रा ऐप, दिस एप्लीकेशन इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड एनी फंडिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एयरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड फ्रॉम देयर किटी, राइट, दैट्स योर पॉइंट नंबर 2, ओके। और यहां पर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी डिजी यात्रा ट्रेवल आईडी। द एम इज टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड अलाउ फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज योर थर्ड पॉइंट दैट नो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ पैसेंजर डेटा विच इज एनक्रिप्टेड और स्टोर्ड इन सिक्योर वॉलेट ऑन हीज और हर मोबाइल डिवाइस, ओके। गवर्नमेंट स्टोर नहीं करती है, कोई सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम जैसा नहीं है इस ऐप में कि गवर्नमेंट आपका डेटा स्टोर कर रही हो, ठीक है। द डेटा इज शेयर्ड विद द डिपार्चर एयरपोर्ट ऑन द डे ऑफ ट्रेवल एंड इट इज पर्ज्ड विद इन 24 आवर्स, आपका डेटा वहीं एयरपोर्ट पे शेयर किया जाएगा जहां से आप डिपार्चर कर रहे हो, ठीक है, और 24 घंटे में हटा दिया जाएगा, ऑलराइट। कोई आपका मेंटेन नहीं किया जाएगा, कोई सेंट्रल स्टोरेज जैसा नहीं है यहाँ पर, तो दैट इज वन पॉइंट यू शुड रिमेंबर फॉर योर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज डिजी यात्रा जो पॉलिसी है वो कहती है कि एयरपोर्ट यूजिंग द डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम विल एडहर टू डेटा प्रोटेक्शन लॉ एज मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको फॉलो करना होगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो कि अब एक्ट बन चुका है, ठीक है, इनको फॉलो करना होगा ये जो मेंटेन कर रहे हैं। बट अब इसमें जरा ये कैच पकड़िए, बट ये एक्ट पास कर दिया है बट अभी तक इसके अंडर में रूल्स फ्रेम हुए ही नहीं है, ठीक है, जबकि आपने दिसंबर 22 से ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया एयरपोर्ट पर, ओके। बट आपने अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में रूल्स फ्रेम किए ही नहीं है, तो फिर ये क्या फॉलो कर रहे होंगे इस वक्त, नथिंग, राइट।
राइट, द बिल हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फॉर गिविंग गवर्नमेंट ब्रॉड पावर टू एग्जेम्प्ट, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है डेटा प्रोटेक्शन बिल का, एक्ट का, एग्जेम्प्ट एनी ऑफ इट्स एजेंसीज फ्रॉम ऑल इट्स प्रोविजंस। ओके, ये जो पावर गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है कि आप आज तो कह रहे हो कि ये जो सिस्टम है पूरा बायोमेट्रिक्स वाला, डिजी यात्रा वाला, ठीक है, इसको डेटा प्रोटेक्शन लॉ के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, बट कल को आपके पास तो पावर है, कल को आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं इसको, ये पूरे डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम को आप एग्जेम्प्शन दे सकते हो। ओके, कि नहीं फॉलो करना आपको प्राइवेसी रूल, यूज करो डेटा पब्लिक का। ओके, पावर टू एग्जेम्प्ट एनी ऑफ द एजेंसीज फ्रॉम ऑल इट्स प्रोविजंस, एडिशनली दीज एग्जेम्प्शंस आर ऑल्सो ग्रांटेड इन डिजी यात्रा पॉलिसी, और आपने दे भी रखे हैं ये एग्जेम्प्शंस, राइट, क्योंकि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो कहता है कि एनी सिक्योरिटी एजेंसी यानी कि CISF, ठीक है, या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और अदर गवर्नमेंट एजेंसी मे बी गिवन एक्सेस टू पैसेंजर डेटा बेस्ड ऑन करेंट और एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल्स प्रेवलेंट एट दैट टाइम। ऑलराइट, तो अभी जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि 24 आवर्स में हमारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा डिपार्चर के बाद, ठीक है, तो हो सकता है कि कल आप इसको चेंज कर दो, यू कैन चेंज द डेटा पर सेटिंग बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑन नीड बेसिस, राइट। तो ये इसके दो चार क्रिटिसिज्म है, कुछ काम की बातें। अब हम आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका ने ड्रैग किया है इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो इसको अभी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, उससे पहले इस यहां पर आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, जो कि आता है नीदरलैंड में, ठीक है। ओके, अब यहां पर साउथ अफ्रीका ने इन्वोक क्या किया? उसने इन्वोक किया एक कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948। उसने इस कन्वेंशन को इन्वोक किया कि इसको वायलेट किया है इसराइल ने। अब ICJ, इट इज ए प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर, दैट इट इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस। नाउ द ओनली स्टेट्स मे बी पार्टीज इन केसेस बिफोर द कोर्ट, ओके, यानी कि जिन लोगों ने इसके स्टैच्यू को साइन किया होगा, ठीक है, इसको एग्री किया होगा, सिर्फ उन्हीं स्टेट्स को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। द स्टैच्यू दैट क्रिएटेड इट मेक्स इट क्लियर दैट ओनली स्टेट्स मे बी पार्टीज इन केसेस बिफोर द कोर्ट। सेकेंड, नाउ बोथ इसराइल एंड साउथ अफ्रीका आर सिग्नेटरीज टू जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 एज वेल। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। नेक्स्ट है, अब ये जो जेनोसाइड कन्वेंशन है 1948 का, ये क्या कहता है? तो इट वॉज द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी टू बी अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज, इट अरोज फ्रॉम द कमिटमेंट दैट टू नेवर अगेन अलाउ मास किलिंग। इसका जो आर्टिकल 2 है वो कहता है कि जेनोसाइड मीन्स एक्ट सच एज किलिंग मेंबर ऑफ नेशनल, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप, ठीक है, कॉजिंग बॉडीली और मेंटल हार्म, इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप conditions of life calculated to bring physical destruction in whole or in part. It has also accused Israel of causing hunger, dehydration or starvation in Gaza. ठीक है, क्योंकि उसने वो जो हेल्प वगैरह थी वो पहुंचने नहीं दी थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब बंद करा दी थी वहां पर, वाटर की शॉर्टेज हो गई थी एंड ऑल दिस, ठीक है। तो ये सब डिफाइन करता है आपका कि जेनोसाइड होता है क्या और किस तरीके से कॉज किया जाता है, राइट, कि आप किसी को स्टार्व कर दो, डेथ तक भूखा रख दो, तो वो भी जेनोसाइड ही है। अब देखिए ये 1948 में क्यों आया, क्योंकि आज जो इसराइल है ना, सो कॉल्ड ज्यूइश कम्युनिटी, ठीक है, यही ज्यूइश कम्युनिटी का सबसे बुरा जेनोसाइड हुआ था इन जर्मनी बाय हिटलर, ठीक है। तो जिनके जेनोसाइड को देखने के बाद दुनिया ने कहा कि हमें एक जेनोसाइड कन्वेंशन बनाना चाहिए, आज उन्हीं पर एलिगेशंस लगे हैं कि आप जेनोसाइड क्रिएट कर रहे हो। ये गाजा में 23,000 लोग अब तक मर चुके हैं, आउट ऑफ विच 70% आर वेमेन एंड चिल्ड्रन। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक है नकबा, तो इसका मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफ इन अरेबिक, इट रेफर्स टू द मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस ड्यूरिंग द अरब इसराइली वॉर, ठीक है। तो पहले तो आप ये टर्म याद रखेंगे, नकबा। यूबीसी आजकल बहुत मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछता है, दो तीन चीजें पूछ के, ठीक। उसी तरीके से इसराइल ने एक टर्म यूज कर रहा था, अमालक। अमालक क्या होता है? एज पर दी हेब्रू बाइबल, ए प्रोसिक्यूटर ऑफ इसराइलाइट्स एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ इसराइलाइट्स टू एलिमिनेट द अमालेकिटीज, ठीक है, मतलब जो इन ज्यूइश को प्रोसिक्यूट करता है उसको अमालक कहते हैं, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स याद रखिएगा प्रिलिम्स के लिए, क्लियर। नेक्स्ट, अब इसराइल अपने आप को कैसे इसमें डिफेंड कर रहा है, तो वो कह रहा है कि देखिए मेरे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, मुझ पे पहले हमास ने अटैक किया था, मैंने तो उसके लिए फिर रिटेलिएट किया है, और इसराइल ने इन ये जो सिविलियंस है ना, हम कह रहे हैं सिविलियन डेथ बहुत हुई है 23,000 लोगों की, ठीक है, तो इसराइल कह रहा है कि ये हमास ने इनको एज अ इन सिविलियंस को एज अ ह्यूमन शील्ड यूज किया,
इसलिए इतनी ज्यादा डेथ कॉज हुई। मेरा मोटिव तो सिर्फ हमास को एलिमिनेट करना था। ये आईसीजे हैज नो मीन्स टू एनफोर्स इट्स ओन ऑर्डर्स। इट इज पॉसिबल फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक मेजर्स बट इट इज सब्जेक्ट टू वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर। ठीक है, आईसीजे खुद तो एनफोर्स नहीं कर सकता, उसे ऑर्डर तो दे सकता है, उसको एनफोर्स तो सिर्फ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है। बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो किसी भी चीज को वीटो कर देते हैं। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई चीज अभी कर सकता है जब 5 एग्री करें, बट यहां तो पता ही है आपको कि यूएसए वीटो कर देगा अगर इस तरह का कोई ऑर्डर देता भी है तो। ये ओके, वापस से वही आईसीजे के रिगार्डिंग है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन में स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। एस्टैब्लिश कब हुआ? जून 1945 में बाय चार्टर ऑफ यूएन। इसके बाद ड्यूअल ज्यूरिसडिक्शनल पावर होती हैं, एक होती है एडवाइजरी और एक होती है ज्यूरिसडिक्शन इन कंटेंशियस इश्यूज। ठीक, एडवाइस यूएन यूएन है जो, जैसे यूएन है पूरा ओवरऑल। और कुछ ऐसे लीगल मैटर्स आएंगे जिसमें आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए उस चीज का। ठीक है, तो ऐसे में यूएन एडवाइस मांग सकता है इस कोर्ट से। ठीक है, सेकंड, ये अपनी खुद की ज्यूरिसडिक्शन, जैसे आज इसराइल वॉर और पैलेस्टीन वाले इशू पर दे रहा है, ये सेकंड। ठीक है, तो दो तरह की पावर है, एक एडवाइजरी और दूसरी इसकी ज्यूरिसडिक्शनल पावर। और फर्स्ट वाले में क्या कर सकता है? लीगल ओपिनियन दे सकता है ऑन मैटर्स रेफर टू इट बाय द ऑर्गन्स और स्पेशलाइज एजेंसीज ऑफ यूएन। और यूएन की ओवरऑल 16 स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, एक बार लिस्ट देख लेना बस। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में अगर कभी गलती से आ गया तो एक बार देखा होगा तो याद आ जाएगा वहां पर। प्रीलिम्स में यही आसान होता है कि आपके सामने होता है आंसर। द ओनली थिंग इज कि अगर आपने पूछी तो एक बार पढ़ी है देखी है तो आप रिकॉल कर लोगे वहां। और सेकंड जो पावर है वो करती है डिस्प्यूट सेटल करती है बिटवीन द कंट्रीज एंड डिटरमिनिंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्राइम और इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये दो पावर हो गई इसकी। अब ऐसा नहीं है कि आईसीजे डायरेक्टली बना 45 में, इसका एक प्रेडेसर हुआ करता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, उसको रिप्लेस किया ऐसे। टोटल स्ट्रेंथ होती है 15 जजेस की जो अपॉइंट किए जाते हैं फॉर 9 ईयर टर्म्स ओके थ्रू इलेक्शन एट जनरल असेंबली। हाउएवर एडहॉक जज भी अपॉइंट किए जा सकते हैं जब जरूरत हो कि कोई ऐसा केस आया जहां पर स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए। नाउ आईसीजे जजेस ऑट टू बी इम्पार्शियल एंड कैन नॉट एक्ट एज एक्सटेंशन ऑफ देयर कंट्रीज। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी तो कंट्री से ही आ रहे होंगे ये लोग, बट ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री के अगेंस्ट केस आया है तो फिर आप अपना वो देशभक्ति दिखाने लगो, वो नो no, आपको इम्पार्शियल रहना है। ऑब्वियसली वहां पे सभी मेंबर हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जब केस आएगा तो आपकी कंट्री के अगेंस्ट भी आ सकता है, तो आपको इम्पार्शियल होके अपना जजमेंट देना है। ठीक है, बट पास्ट में कुछ ऐसे केस आए हैं जहां पे जज ने अपने जो जजमेंट दिए हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, उनकी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है ना या पॉलिटिकल स्टैंड है उसके रिस्पेक्ट में ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल 22 में क्या हुआ? ठीक है, 22 में इस कोर्ट ने ऑर्डर किया रशिया को कि आप अपने जो मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन में उसको रोकिए। ठीक है, बट जो जज इसमें, इन 15 जजों में जो जज रशिया और चाइना के बैठे थे ना, ठीक है, उन लोगों ने अगेंस्ट में वोट दिया। राइट, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको होना तो इम्पार्शियल था, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं आपकी जो नेशनल पॉलिटिक्स है या जो स्टैंड है आपका, आप उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रशिया वाला। उसी तरीके से इंडिया के यहाँ पे अपॉइंटी जज हैं मिस्टर दलवीर भंडारी। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्या है रशिया यूक्रेन वॉर में? एब्सटेन का। ठीक है, ठीक है, कि हम लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं और हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। राइट, लेकिन ये हमारे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पर, उन्होंने फेवर में वोट कर दिया कि यस, ये जो रशिया ने किया है ना ये गलत है। ठीक है, यानी कि इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल स्टैंड है, उससे हटके उन्होंने इम्पार्शियली अपना जजमेंट दिया कि हाँ ये वॉर रुकनी चाहिए। ठीक है, जबकि चाइना रशिया के जजेस ने क्या किया? उन्होंने वही वोट दिया जो उनका कंट्री का स्टैंड है। ओके, सो एटलीस्ट इंडिया ने अपनी इम्पार्शियलिटी मेंटेन रखी इसमें। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई एनफोर्समेंट पावर नहीं है इसके बाद। ऑल्दो द कोर्ट्स डिसीजन आर लीगली बाइंडिंग, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ओके, आई एम मार्किंग इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट, लीगली बाइंडिंग तो होते हैं इसके जजमेंट। लीगली बाइंडिंग का मतलब यह है कि आप अपील नहीं कर सकते इसके अगेंस्ट में, बट दे आर ऑफन डिफाइड इन द एब्सेंस ऑफ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ इट्स ओन। बट कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है तो कोई कंट्री मानती नहीं है, देते रहो जो भी जजमेंट देना है। राइट, वो सिर्फ वो अगर कोई कर सकता है एनफोर्स इनको तो वो कर सकता है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, बट वहां पर जो परमानेंट मेंबर हैं वो वीटो कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यहाँ पर इसराइल के अगेंस्ट कोई अवार्ड दे भी दे ये कोर्ट, ठीक है, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस उसको वीटो कर देगा, नहीं मान रहे। और फिर अनदर चैलेंज जो आता है कोर्ट में वो आता है नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ पावरफुल मेंबर स्टेट्स इन दी प्रोसीडिंग्स। ठीक
है। जैसे जब रशिया के अगेंस्ट डिसीजन दिया तो रशिया ने कहा निकल रहा हूं मैं जा रहा हूं यहां से, ठीक है मुझे नहीं मानना। उस तरह एक बार यूएसए के अगेंस्ट भी केस आया था, क्योंकि ये भी मिडिल ईस्ट में जो बम्बार्डमेंट वगैरह करता रहता है कभी इराक पे कभी कहीं, तो इसके अगेंस्ट भी आया था, तो इसने भी कह दिया था मैं भी नहीं मान रहा। तो ये जो पावरफुल कंट्रीज है ना, ये लोग जब तक लॉ को फॉलो नहीं करती, ये लोग अपने आप को अबव द लॉ समझती हैं, तो फिर ऐसे में इंस्टीट्यूट की जो एफिकेसी है वो खराब हो जाती है। दूसरे यहाँ पे भी इनके ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर बहुत ज्यादा है, ठीक है, मतलब इनकी रूलिंग्स आने में 2.5 साल तक लग जाते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, गाम्बिया ने केस किया था अगेंस्ट म्यांमार ऑन रोहिंग्या इशू, कि वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो इसको अपना फाइनल जजमेंट देने में 2.5 साल लग गए, बहुत ज्यादा होते हैं ना। सिमिलरली अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला ही ऐसा कोर्ट है इंटरनेशनल, और भी हैं, जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सी, और पैनल अलग अलग जो WTO के अंडर में बनते हैं, तो ये सारे जो हैं ये सब इंटरनेशनल कोर्ट हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको दो कराऊंगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये मैं आपको बाद में अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो क्या कहीं ना कहीं ये कंसर्न रेज करता है कि देर इज फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेयर वेरियस जुडिशियल बॉडीज इम्पार्ट कॉन्ट्ररी रूलिंग्स। ओके, तो चलिए पहले हम जरा इन दोनों को डिटेल में जान लेते हैं। ओके, अगर आपने पढ़ा है ये सब तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं एक बार कराऊंगा ताकि जो बच्चे न्यू हैं उनको पता हो। चलिए, ICJ एस्टैब्लिश कब किया गया? 1945 में अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर। वर्क कब से शुरू किया? अप्रैल 1946 से। ये जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का ही। ओके, द हेग में हेडक्वार्टर है इसका, जो कि नीदरलैंड में आता है। अब हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली एंड सो ऑन, ठीक है। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, ये सब मैं करा दूंगा आपको बाद में अलग से, ठीक है। अभी हम टॉपिक पे स्टे करते हैं। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है। लगभग सभी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, बट ये सिर्फ एक ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में लोकेटेड नहीं है। ये यूएसए ने पूरे वर्ल्ड का सेंटर अपने आप को इसी तरीके से बना रखा है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ठीक है, दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, यूएन के सारे ऑर्गन्स हो, ये सब के हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है, यूएसए में, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का, जो कि द हेग नीदरलैंड में बेस्ड है, ना कि यूएसए में, ठीक है। ये सेटल करता है लीगल डिस्प्यूट बिटवीन दी स्टेट, ठीक है, हमने देख ही लिया था, एक तो एडवाइजरी पावर थी और दूसरा ज्यूरिसडिक्शन पावर। इट सेटल लीगल डिस्प्यूट बिटवीन दी स्टेट्स एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन, ठीक है। ये दो पावर है इसके पास, लीगल डिस्प्यूट सेटल करने की और एडवाइजरी ओपिनियन देने की ऑन लीगल इश्यूज रेफर टू इट बाय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन और स्पेशलाइज एजेंसी। 16 स्पेशलाइज एजेंसीज है यूएन की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ICJ, 15 जजेस होते हैं, ठीक है, जिनको इलेक्ट किया जाता है 9 साल के टेन्योर के लिए बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, एंड बोथ दी ऑर्गन्स वोट साइमल्टेनियसली बट सेपरेटली, ठीक है। यानी कि सोचिए कि जनरल असेंबली ने किसी को इलेक्ट किया हो, ठीक है, बट सपोज कीजिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी ने उसका इलेक्शन वीटो कर दिया हो, ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड ए कैंडिडेट मस्ट रिसीव एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ दी वोट्स, ठीक है, फ्रॉम बोथ बॉडीज। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, कोई भी आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। और कंटिन्यूटी एंश्योर करने के लिए 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर्स एंड जजेस आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये दो पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए कि जजेस को री इलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे हमारे दलवीर भंडारी हैं जी, उनको रिलेक्ट किया गया। उसी तरीके से 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 ईयर, ओके, यानी 5 5 5 करके, ताकि कोई वैकेंसी ना हो, कंटिन्यूटी बनी रहे। और द ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच, ठीक है, ये याद रहेगा। अभी जो 15 जजेस इलेक्ट किए जा रहे हैं ना, इनको रीजन वाइज डिसाइड किया जाता है, यानी कि 3 जजेस आएंगे अफ्रीका से, ठीक है, 3 जजेस फ्रॉम अफ्रीका, 2 फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, 3 फ्रॉम द एशिया एंड 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। अरे, तो इस तरीके से 15 जजेस की जो कुर्सियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सभी को। क्लियर हो गए यहां तक? नाउ अनलाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन, दिस कोर्ट इज नॉट कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे जो जजेस बैठे हैं उनको माना जाता है इंडिपेंडेंट हो आप, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर नेशनैलिटी, योर सिटीजनशिप, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि आपको न्यूट्रल रह के काम करना है, अनबायस रहना है, ठीक
ठीक है, बट वो कुछ जज इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपनी कंट्री की सिचुएशन से, वो बात अलग है, ठीक है। बट माना यही जाता है कि आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, आपको इंडिपेंडेंटली अपना काम करना है, ओके। उन्हें ये सॉलेम डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वी विल एक्सरसाइज आ पावर इम्पार्शियली एंड कंसाइंटियसली, यानी अपनी खुद की कंसाइंस से हम एक्सरसाइज करेंगे। इन ऑर्डर टू गारंटी हिज और हर इंडिपेंडेंस, नो मेंबर ऑफ द कोर्ट कैन बी डिसमिस्ड अनलेस देयर इज यूनानिमस ओपिनियन ऑफ अदर मेंबर्स दैट ही और शी इज नो लॉन्गर फुलफिल्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके। बट ये कभी आज तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जज रशिया और चाइना के जो थे, उन्होंने कुछ ऐसा वोट किया जो उनकी बायसनेस को शो करता है, ठीक है, कि लोग वहां मर रहे हैं, वॉर हो रही है, बट उसको रोकने के लिए आप ऑर्डर नहीं दे रहे हो, आप अपनी कंट्री की जो ऑफिशियल लाइन है उसको फॉलो कर रहे, ठीक है। तो अगर ऐसे जजेस को रिमूव करना होगा तो वो डिसमिस करना होगा यूनानिमस ओपिनियन को, यानी कि बाकी के जितने सारे जजेस हैं उन सबको कहना होगा यस दीज जजेस शुड बी रिमूव, दे आर बायस्ड। इसकी ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो दो ज्यूरिसडिक्शन है, एक तो लीगल डिस्प्यूट सेटल करना बिटवीन दी स्टेट्स जो उनको दिए जाते हैं, दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन देना अगर यूनाइटेड नेशन का कोई ऑर्गन या स्पेशलाइज एजेंसी उससे मांगती है एडवाइस तो। ओके, ओनली स्टेट्स विच आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड विच हैव बिकम पार्टीज टू द स्टैच्यू ऑफ द कोर्ट और विच हैव एक्सेप्टेड इट्स ज्यूरिसडिक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन आर पार्टीज टू कंटेंशियस केसेस, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओपिनियन प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट इन एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स आर एसेंशियली एडवाइजरी एंड नॉट बाइंडिंग। अब देखिए, मैंने आपको वहां पे बताया था कि इसका जो जजमेंट होता है वो लीगली बाइंडिंग होगा, देखिए वो डिस्प्यूट वाले केस में लीगली बाइंडिंग होगा, यहाँ पे वो एडवाइजरी वाली बात कर रहा है, जो एडवाइस मांगी गई है ना यूएन के ऑर्गन द्वारा। जस्ट सेकंड, क्या हुआ यार? हाँ, जो एडवाइस मांगी गई है ना, अगर एडवाइजरी ओपिनियन दे रहा है तो वो बाइंडिंग नहीं है। जो जजमेंट देगा, दो पावर देखे ना हमने, लीगल डिस्प्यूट वाला, इस केस में जो होगा वो बाइंडिंग होगा, लीगली बाइंडिंग, ठीक है। लेकिन जो एडवाइस मांगी गई है बाय द यूएन ऑर्गन्स, तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ के सॉल्व करना। नाउ लिमिटेशंस क्या है इसकी फंक्शनिंग की? देखिए लिमिटेशंस तो हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चरल भी हैं, कुछ सर्कमस्टेंशियल भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इंडिविजुअल्स अक्यूज ऑफ वॉर क्राइम्स और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एज इट इज नॉट ए क्रिमिनल कोड, ओके। इट डज नॉट हैव ए प्रोसिक्यूटर एबल टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। इट डिफर फ्रॉम दी कोर्ट्स विच डील विद एलिगेशंस ऑफ वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। उन कोर्ट से अलग है ये, एज वेल एज एप्लीकेशन फ्रॉम स्टेट एट विच दी कोर्ट कैन एंटरटेन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिविजुअल दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो बस ये इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ये वाली बातें याद रखो, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम अदर कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अभी पढ़ेंगे तब उसमें समझ में आ जाए। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे इज जनरल एंड देयर बाय डिफर्स फ्रॉम द स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स, लाइक जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉज ऑफ सी, ये सब स्पेशलिस्ट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। ये स्पेशलाइज करते हैं कि सी में, जैसे जैसे साउथ चाइना सी का इशू है, ठीक है, वो जो केसेस होंगे वो यहाँ जाएंगे, वो स्पेशलाइज मैटर्स है। ये जनरलिस्ट टाइप के टाइप का कोर्ट है, ऐसे मैटर्स से डील करता है जो इन जनरल है, कोई स्पेशल नेचर के नहीं है। The court is not a supreme court to which a national court can turn. It does not act as a court of last resort for individuals, nor it is an appeal court for any international tribunal. It can, however, rule on the validity of arbitral award. The court can only hear a dispute when requested to do so by one or more state. ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया। इट कैन नॉट डील विद द डिस्प्यूट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। ऐसा नहीं कि खुद ही वो केस ले ले, मतलब सू मोटो वाली पावर नहीं है इसके पास, ठीक है। नाउ नीदर इट इज परमिटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड रूल ऑन एक्ट्स ऑफ सॉवरेन स्टेट्स एज इट चूजेस, ठीक है। सू मोटो पावर कुछ नहीं है, अगर कोई किसी के खिलाफ केस लाता है, जैसे गाम्बिया लेकर आया म्यांमार के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका लेकर आया इसराइल के अगेंस्ट, तभी कुछ कर सकता है ये, ओके। एंड इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओनली बेस्ड ऑन कंसेंट, ओके। अगर वो कंट्री एक्सेप्ट करने को तैयार है तो ही ज्यूरिसडिक्शन होगी, ठीक है। अगर वो स्टैच्यू साइन ही नहीं किया उस कंट्री ने तो क्या कर लोगे आप? आपकी ज्यूरिसडिक्शन मच जाएगी नहीं, उसे माना ही नहीं है आपको कोर्ट, ठीक है। इट डज नॉट एंजॉय ए फुल सेपरेशन ऑफ पावर विद परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बींग एबल टू वीटो द एनफोर्समेंट ऑफ केसेस इवन दोज टू विच दे कंसेंटेड टू बाउंड, ठीक है। ये जजमेंट दे भी दे तो वहां पर वीटो हो जाता है। चलिए अब इसको और देख लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, ताकि टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ये गवर्न होता है एक ट्रीटी से जिसको हम कहते हैं द रोम स्टैट्यू, ठीक
ठीक है, इट इज वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल, ओके, क्रिमिनल की बात हो रही है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, ये क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है स्पेशली। इट इन्वेस्टिगेट एंड वे आर वॉरंटेड ट्राइस इंडिविजुअल चार्ज विद ग्रेवेस्ट क्राइम ऑफ कंसर्न टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी लाइक जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन एटसेट्रा। थ्रू इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस आईसीसी एम्स टू होल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम एंड हेल्प प्रिवेंट दिस क्राइम फ्रॉम हैपनिंग अगेन। एंड नाउ रिमेंबर दैट इंडिया इज नॉट ए पार्टी टू रोम स्टैच्यू अलॉन्ग विद यूएस एंड चाइना। क्लियर। अच्छा आप ये बताओ कि साउथ अफ्रीका जेनोसाइड का केस इसके आगे यहाँ क्यों नहीं लिखे गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में? ठीक है, जेनोसाइड ही हो रहा है ना वहाँ, इसलिए लेके नहीं गया क्योंकि यहाँ ले जाने के लिए इसराइल पार्टी भी तो होना चाहिए ना इसका, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्टी नहीं है। ठीक है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जस्टिस में पार्टी है इसलिए वहां पर उसके अगेंस्ट केस हुआ है, वरना यहां पर होता ना। कैसे शुरुआत हुई इसके बनने की? तो 1998 में, सॉरी 1998 में रोम स्टैच्यू वॉज अडॉप्टेड बाय 120 स्टेट्स, ओके, टू क्रिएट ए मोर जस्ट वर्ल्ड। ओके, फिर ये फोर्स में कब आया? 2002 में आया। फोर्स में आने के लिए कम से कम रेटिफिकेशन करना पड़ता है पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेट। अब रेटिफिकेशन और साइन में फर्क क्या है? देखिए, साइन, अगर आपने साइन किया है कोई अकॉर्ड, ठीक है, यूएन का कंट्री के बिहाफ में, तो साइन तो वहां का लीडर कर देगा, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम कि इंडिया ने साइन कर दिया है इस एग्रीमेंट को। बट बात जब रेटिफिकेशन की आती है ना, रेटिफिकेशन उस कंट्री का पार्लियामेंट करता है, ठीक है, जैसे खासकर यूएस में सबसे ज्यादा ये होता है कि वहां के प्रेसिडेंट साइन तो कराते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेरिस अकॉर्ड वगैरह हो गया, ठीक है, वो साइन करा है, लेकिन उनकी जो कांग्रेस है यानी उनका हाउस, वो उसको रेटिफाई करने से मना कर देता है। ये हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के साथ, उस टाइम उनके प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया था बट रेटिफाई नहीं किया यूएस ने। और ऐसे कई कन्वेंशन है जो प्रेसिडेंट साइन तो कर देते हैं अमेरिका में लेकिन रेटिफाई नहीं करते हैं। ओके, सो ये फर्क है दोनों में, रेटिफिकेशन और साइन में। ठीक है, तो बन तो गया था ये 1998 में, बट ये फोर्स में कब आया? 2002 में, जब रेटिफिकेशन किया एटलीस्ट 60 स्टेट्स ने। ऑलराइट, तो फाइनली ऑफिशियली आपका जो आईसीसी था वो स्टैब्लिश हो गया, बट साथ में ये भी डिसाइड हुआ कि कोई रेट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम 2002 से पीछे के केस में पीछे के केसेस ओपन करना शुरू कर दें, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, अब जो नए केस आएंगे सिर्फ उस केस में इसकी ज्यूरिसडिक्शन लागू होगी। ऑलराइट, 2010 में एक अमेंडमेंट किया गया रोम स्टैच्यू में, इट ऑल्सो सेट्स न्यू स्टैंडर्ड फॉर विक्टिम्स रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट रूम। देखिए, पहले अलाउ नहीं था कि जो विक्टिम्स हैं वो वहां जा सकते हैं अपनी बात कहने, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता था, ठीक है, ये सुनवाई उनके बिना ही हो जाती थी। पर 2010 में अमेंडमेंट हुई कि विक्टिम्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर आज केस होता इस पे, ठीक है, तो यूक्रेन की जो विक्टिम है वो यहाँ पर जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्लियर। टुडे द रोम स्टैच्यू सर्व एज आईसीसी गाइडिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट विच एलेबोरेटेड इन सच अदर अटैक्स एंड सो ऑन। छोड़ो उसको। हाँ, अब जरूरी यह है कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन चार मेन क्राइम पर लागू होती है। फर्स्ट इज क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन। ओके, बट सिर्फ उन्हीं क्राइम पे लागू होगी जो कमिट किए गए हैं ऑन और आफ्टर 2002। क्यों? क्योंकि 2002 में ये फोर्स में आया। ओके, और रेट्रोस्पेक्टिव पावर नहीं थे। ठीक है, बट दीज क्राइम शुड बी कमिटेड बाय स्टेट पार्टी नेशनल इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट पार्टी। ठीक है, यानी कि जो कंट्री इस कन्वेंशन की पार्टी है उन्हीं में होना चाहिए और उन्हीं के अगेंस्ट होना चाहिए। तो इसराइल तो यहाँ पार्टी था ही, तो यहाँ पे केस आ ही नहीं सकता था उसके अगेंस्ट। ठीक है, सिर्फ उन स्टेट पे लागू होगा जिन्होंने एक्सेप्ट की है कि हम इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को मानते हैं। द क्राइम्स वर रेफर टू आईसीसी प्रोसिक्यूटर बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, देन एज ऑफ 2018 ए सिचुएशन इन विच एन एक्ट ऑफ एग्रेशन वुड अपियर टू हैव अकर्ड कुड बी रेफर्ड टू दी कोर्ट बाय दी सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिंग अंडर चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर। आईसीसी इज इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंट नॉट टू रिप्लेस दी नेशनल क्रिमिनल सिस्टम। ओके, किसी पॉलिटिकल लीडर को, सपोज जैसे जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट है, ठीक है, इराक में बहुत वायलेशन हुए, इवन आधा अमेरिका भी गाली देता है उनको, ठीक है, तो उनको प्रोसिक्यूट उनका जो उनके खुद की कंट्री का कोर्ट है वो भी कर सकता है।
और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी कर सकता है। यूएसए पार्टी नहीं है, वो अलग बात है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, ठीक है, कि आपके नेशनल जो क्रिमिनल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट वगैरह उनकी जगह नहीं लेता, ये सिर्फ उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। ऑलराइट, इट प्रोसिक्यूट्स केसेस ओनली व्हेन द स्टेट डू डू नॉट और अनविलिंग टू डू सो। ओके, जैसे अगर किसी कंट्री में किसी लीडर ने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रखे हैं, जैसे मान लीजिए म्यांमार में, ठीक है, रोहिंग्यास के अगेंस्ट बहुत वायलेशन हुए, ठीक है, तो अगर वहां का खुद का कोर्ट उस पॉलिटिकल लीडर को, उस प्रेसिडेंट को पनिश नहीं कर रहा है, तब जाकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये कह सकता है कि हम पनिश करेंगे, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ऑर्गन ऑफ यूएन, बट आईसीसी इज नॉट ए यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सिर्फ एक कॉपरेशन एग्रीमेंट है इसका यूएन के साथ। नाउ व्हेन ए सिचुएशन इज नॉट विद इन कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कैन रेफर द सिचुएशन टू आईसीसी ग्रांटिंग इट ज्यूरिसडिक्शन। दिस हैज बीन डन इन सिचुएशन ऑफ सूडान एंड लिबिया। ओके, आईसीसी का, आईसीसी यूएन का पार्ट नहीं है, यूएन सिर्फ उसको ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट कर सकता है ऑन केस बाय केस बेसिस। लिमिटेशन वही है जो उस कोर्ट की है, वही इसकी है कि इसके पास भी खुद की पुलिस फोर्स तो है नहीं जो ये एनफोर्समेंट करवा पाए अपने उस सब का, ठीक है। इसके अलावा स्टेट कॉपरेशन इज ए प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, कई कंट्रीज में नहीं कर देती हैं, हम नहीं मानते आपकी ज्यूरिस्डिक्शन को, आपकी जजमेंट वगैरह को, ठीक है, देर आर इनसफिशिएंट चेक एंड बैलेंस। क्योंकि देखिए इस कोर्ट का एक सबसे बड़ा क्रिटिज्म ये रहा है कि ये हमेशा ना मोस्टली अफ्रीकन लीडर्स को ही पनिश किया है इसने, ठीक है, जैसे उन्हीं के यहाँ सारे वायलेशन हो रहे हैं, सारे जेनोसाइड्स हो रहे हैं, जो बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके लीडर्स को आज तक कभी पनिश नहीं किया इस कोर्ट ने। इट हैज बीन अक्यूज ऑफ बींग ए टूल ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड बायस्ड इन फेवर ऑफ पावरफुल कंट्रीज अगेंस्ट द वीक स्टेट। ओके, अब 2020 में तो क्या किया, यूएस ने इस कोर्ट के ऑफिशियल्स को सैंक्शन कर दिया। यूएस ऑथराइज सैंक्शंस अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफिशियल्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशन इनटू पॉसिबल वॉर क्राइम बाय यूएसए ट्रूप्स एंड इट्स अलाइज, ठीक है। यानी कि जब यूएसए के वॉर क्राइम्स जो इधर होते रहते हैं वेस्ट एशिया में, कहीं भी बम्बार्डमेंट कर देता है, अफगानिस्तान में ये बॉम्ब गिरा देता था, कई बार कह के कि टेररिस्ट रह रहे हैं यहाँ पे, जबकि वो सिविलियंस भी मारे जाते थे, बच्चे तक मारे जाते थे, तो वो वॉर क्राइम ही हुए यूएसए के। तो इसके इसमें यूएसए के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की इस कोर्ट ने, तो यूएसए ने इसके ऑफिशियल्स को ही सैंक्शन कर दिया, ठीक है, तो फिर कौन सीरियसली लेगा, ठीक है। इट्स सैंक्शन अगेंस्ट द ऑफिशियल्स हु वर इन्वेस्टिगेटिंग द पॉसिबल वॉर क्राइम्स बाय यूएसए। यूएन हैड टेकन सीरियस नोट अबाउट यूएसए ऑर्डर, यूरोपियन यूनियन कॉल्ड यूएसए डिसीजन ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, इवन यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि यूएसए ने ये गलत किया। राइट, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीसी कैन नॉट इम्पोज डेथ सेंटेंस, ओके, रिमेंबर दिस, ओके, ये सिर्फ आपको लेंथी इंप्रिजनमेंट दे सकता है, फॉर एग्जांपल 30 इयर्स की या लाइफ की अगर जस्टिफाई होता है तो, ओके, कोई रेट्रोस्पेक्टिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आईसीसी हैज ऑटोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन ओनली फॉर क्राइम्स कमिटेड ऑन द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट विच हैज रेटिफाइड द ट्रीटी। ऑलराइट, इट ऑल्सो फेसेस स्कैसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड फंड्स। अब इन दोनों में फर्क जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब तक हमने दोनों पढ़ लिए हैं, आईसीसी भी और आईसीजे भी। तो आईसीसी इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, दैट इज फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। सिर्फ यूएन आईसीसी की जो रिलेशनशिप है वो एक एग्रीमेंट से बनी हुई है, वो इनको ज्यूरिसडिक्शन दे देता है। आईसीजे विच इज अमंग यूएन सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन मेनली हियर डिस्प्यूट बिटवीन द नेशंस, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 एंड सीटेड एट द हेग नीदरलैंड, ठीक है। दलवीर भंडारी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है। आईसीसी ऑन द अदर हैंड प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स, ये कोई स्टेट के डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर रहा है, ये प्रोसिक्यूट कर रहा है इंडिविजुअल्स को फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड इन ए मेंबर स्टेट। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने तो साइन नहीं किया रोम स्टैच्यू, हम नहीं मानते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, ओके, सो इट इज नॉट ए मेंबर। और रीजंस क्या दिए हमने, स्टेट सॉवरेनिटी यानी हमारे यहाँ का खुद का सुप्रीम कोर्ट देख लेगा अगर ऐसा कुछ होगा तो, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट, डिफिकल्टी इन कलेक्शन ऑफ एविडेंस, प्रॉब्लम टू फाइंड इम्पार्शियल प्रोसिक्यूटर एंड क्राइम डेफिनेशन। ओके, तो इन दोनों को मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं न्यूज़पेपर पे, अगर लेक्चर लेंदी हो रहा हो तो आई एम सॉरी, बट अब जो कुछ काम का है वो सब देखना तो पड़ेगा, ठीक है, कि प्रीलिम्स से पूरा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है आईसीसी आईसीजे और आईसीसी पे क्वेश्चन आने का, ठीक है। नाउ अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक लार्जेस्ट प्रीमेट हुआ करता था बहुत सालों पहले, ठीक है, वो एनवायरमेंट की वजह से खत्म हुआ, ठीक है। द एक्सटिंक्शन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन प्रीमेट जॉइंट एप फ्रॉम चाइना, इट्स प्रोबेबली ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, और उसका जॉइंट एप का नाम क्या है, गिगेंटो पिथिकस ब्लैकी या जी ब्लैकी कह सकते हो आपसे, ठीक है। ये बहुत बड़ा माना जाता था कि इसकी 3 मीटर तक की हाइट होती थी और वेट 200 से 300 केजी, और लार्जेस्ट प्रीमेट माना जाता था 2 मिलियन से तो 30,000 ईयर एको
कभी रहा होगा धरती पे। ठीक है, इसकी जियोग्राफिकल जो रेंज थी वो रिड्यूस होना शुरू हो गई थी एक्सटेंशन से पहले, क्योंकि पहले क्या है कि, और ये सब कैसे समझ में आता है हमें, ये समझ में आता है इनकी डाइट और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा जंगली टाइप जानवर होते हैं उनके आप दांत दांत देखिएगा, बहुत चौड़े, बहुत ज्यादा नुकीले और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और जबकि जो डोमेस्टिक पैट्स वगैरह होते हैं इनके दांत देखिएगा उतने डरावने, उतने ज्यादा ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसी से ऑब्जर्व किया जाता है कि पहले मिलियंस ऑफ ईयर पहले ये बहुत डेंस फॉरेस्ट में रहता था, हैवी कवर था, फिर कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये ट्रांजिशन होना शुरू हो गया एनवायरमेंट में और ओपन फॉरेस्ट में आ गया ये। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट कवर जो बहुत थिक हुआ करता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओपन होने लगा। ओके, सो दिस ट्रांजिशन टू ओपन फॉरेस्ट इज रिफ्लेक्टेड इन डेंटल एनालिसिस, दांतों से। क्योंकि उसकी डाइट से समझ में आता है कि इसकी डाइट थोड़ी कम डाइवर्स हो गई थी, विद रेगुलर वाटर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो गया था। तो ये बातें हो गई है। यहाँ पर ये आपके एस एच पी इतना काम का नहीं है, बस कुछ बातें बता रहा हूँ कि लॉन्ग कोविड को लेकर इन्होंने कुछ सिम्टम्स ऑब्जर्व करें, फैटिक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रेन फॉग एटसेट्रा। ठीक है, द कॉज ऑफ टायर्डनेस वॉज आइडेंटिफाइड एज मसल सेल्स नॉट रिसीविंग सफिशियंट एनर्जी फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। सिंस द अराइवल ऑफ ओमिक्रॉन एंड इट्स सब लीनियजेस, द इंसिडेंस ऑफ लॉन्ग कोविड हैज डिक्रीज्ड। द लॉन्ग कोविड मे अकर इवन आफ्टर द माइल्ड इनिशियल डिजीज एंड डेस्पाइट बींग वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो ये लॉन्ग कोविड आपको फिर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज यूएस और यूके जो हैं ये लोग कैरी कर रहे हैं कुछ स्ट्राइक्स हाउदी रेबल्स पर यमन में। और इसी के अगेंस्ट यूएसए ने एक ऑपरेशन भी चलाया, ऑपरेशन प्रोस्पैरिटी गार्जियन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे सूडान में कूप हुआ था बहुत पहले। ठीक है, तो वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि गवर्नमेंट को पावर दे दें। यहाँ पर तोरखम बॉर्डर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पेंशन में साउथ इंडिया वाले थोड़े ज्यादा आगे हैं। ठीक है, अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया हैव नो पेंशन प्लान एज इट इज नॉट मैंडेटरी। अब देखिए, मैंने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में जब डिफरेंस बताया था, ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, बट जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो हर सिटीजन के लिए थी। ठीक है, हर कोई उसमें एनरोल कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा लोगों ने एनरोल नहीं किया है। मेजोरिटी पीपल ऑफ इंडिया हैव नो पेंशन प्लान एज इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है। अगर सपोज करो कि एनपीएस मैंडेटरी कर दी जाए सबके लिए कि सभी को लेनी ही है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देनी है, तो बढ़ जाएगा पेंशन का। ठीक है, बट मेजोरिटी इसमें एनरोल नहीं करते हैं। देर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फर्स्ट रीजन, एंड सेकेंड इज जनरल अवेयरनेस। वुमेन हैव ओनली 20 to 21% एक्सपोजर टू न्यू पेंशन स्कीम। रेड सी ट्रेड के क्राइसिस आप जानती हैं, कॉमर्स मिनिस्ट्री को यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन वगैरह बोलते ही रहते हैं कि एक तो इससे हमारा क्या है कि जो इंश्योरेंस कॉस्ट थी, ठीक है, वो बढ़ गई है। आपने प्रीमियम वगैरह बढ़ा दिए हैं इंश्योरेंस के, कि अब रिस्क ज्यादा है तो आपका शिप कल को डूब डाब गया तो फिर हमें इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा ना, आपको तो जरा प्रीमियम हाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर वो थ्रेट है पूरा, वो सब अपनी जगह। दूसरा, हमने एक्सपोर्ट कब लगा रखे हैं अपने यहाँ, वीट पे, राइस पे, शुगर पे, तो इन्होंने अभी कहा है कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि ये कर्व्स हटाने का। ठीक है, क्योंकि जब तक 24 के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक इन्फ्लेशन के साथ चांस नहीं ले सकते। इन्फ्लेशन से सरकारें गिर जाती हैं, बन जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक थ्रिसूर जियोलॉजिकल जूलॉजिकल पार्क है जो कि केरल में है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को और देख लेते हैं इसमें कुछ काम का है या नहीं। यहाँ पर यूके की जो एनवॉय थी ना पाकिस्तान में, अब ये इंडिया को पसंद नहीं आया कि इन्होंने विजिट करा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी को। ठीक है, तो इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट हैज रजिस्टर्ड ए प्रोटेस्ट विद द यूके ओवर रिसेंट विजिट बाय ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन इस्लामाबाद टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कॉलिंग द एक्ट एज अनएक्सेप्टेबल। अब देखिए, यहाँ पर ये सब बड़े बड़े फॉर्म्स है जो ऑलरेडी सेंसेक्स में रजिस्टर भी हैं। ठीक है, आईटी, बैंकिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए जरा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग कंपनीज, दे अकाउंटेड फॉर 83% ऑफ ऑल सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस। ठीक है, तो फिर कहाँ से वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाओगे जॉब्स में? पहले सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है। आर्मी ने ये जो पूरा एरिया है ना पीर पंजल वाला, इस पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है थोड़ा अटैक आर्मी पे। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आर्मी इज लॉन्चिंग ऑपरेशन सर्वशक्ति इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी फोर्सेस टू फ्लश आउट द टेररिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब देखिए, फसल बीमा योजना पहले क्या किया था, जब इसको लॉन्च किया था ना तब ये मैंडेटरी था। मैंडेटरी इन द सेंस कि अगर कोई किसान लोन लेता है
ठीक है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर उसके पास है, तो आपने लोन लिया है ना, तो आपको कंपलसरीली एनरोल करना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ठीक है। तो ये बंदा क्या कहलाएगा, लोनी फार्मी, लोनी फार्मर, ठीक है। इसके अलावा कुछ नॉन लोनी फार्मर भी होंगे, ठीक है, जैसे थोड़े से रिच हैं, उन्हें जरूरत नहीं है लोन की, ठीक है, बट वो भी अगर चाहें तो एनरोल कर सकते थे इसमें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, ठीक है। इनके लिए तो मैंडेटरी था, बट इनके लिए था वॉलेंट्री, ठीक है। फिर बाद में ये कंडीशंस चेंज की गई और इनके लिए भी बना दिया गया वॉलेंट्री, वॉलेंट्री फॉर दिस लोनी फार्मर्स के लिए भी, ठीक है। अब दोनों के लिए वॉलेंट्री है। तो अब देखिए जरा इधर, 2018-19 में जब स्कीम लॉन्च की गई, तो लोनी फार्मर है ब्लू में, नॉन लोनी है इसमें, ठीक है। तो लोनी फार्मर का परसेंटेज ज्यादा है, 406, ठीक है, 444, क्यों, क्योंकि मैंडेटरी है यहां पर, ठीक है, 354, ठीक है। अब फिर ये गिरने लगा, 354, 336, 320, यहां से क्यों गिरने लगा, क्योंकि अब इसको बना दिया गया वॉलेंट्री, ठीक है। तो कुछ लोग जो अब लोन ले रहे थे, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए फसल बीमा योजना, ठीक है, कई बार 800 800 रुपए तक इंश्योरेंस आता है क्रॉप डैमेज होने के बाद ही, हमें भरोसा नहीं है इस पे, ठीक है। बट नॉन लोनी फार्मिंग शुरू में इनका कम था, क्योंकि इनके लिए वॉलेंट्री था, ठीक है, अभी भी वॉलेंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका अब ये जो रेशियो बढ़ रहा है, 130, 128 और फिर बढ़ के आज 180 है, यानी कि ये जो नॉन लोनी फार्मर के बीच इसमें इनका एक्सेप्टेंस बढ़ा है ना स्कीम का, तो ये कहीं ना दिखाता है कि अब ये स्कीम ज्यादा एक्सेप्टेबल है फार्मर्स को, ठीक है। देखा होगा पिछले 2-3 साल में कि चलो कुछ ना से कुछ तो मिल रहा है एटलीस्ट, ठीक है। तो इनिशियली ये स्कीम कंपलसरी थी फॉर द लोनी फार्मिंग, आपको समझ में आया ना, लोनी फार्मिंग और नॉन लोनी फार्मिंग फर्क, तो लोनी फार्मिंग के लिए कंपलसरी थी इट, अगर आप क्रॉप लोन ले रहे हो केसीसी पे, ठीक है, बट फ्रॉम 2020 इट वॉज मेड वॉलंटरली, तो इसलिए ड्रॉप देखने को मिला है हमें लोनी फार्मर वाले एरिया में, ठीक है। प्रीमियम क्या देना होता है, 2% फॉर खरीफ, 1.5% फॉर राबी एंड 5% फॉर कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है, ये प्रीमियम देना होता है। बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट ये प्रीमियम अपनी तरफ से भरती है ताकि फार्मर के लिए ये ऑलमोस्ट फ्री हो जाए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ ये जो राइज देखने को मिला है नॉन लोनी एरिया में, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अभी स्कीम की एक्सेप्टेंस थोड़ी ज्यादा है। ओके, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम। अब देखिए ये जो एनएमसी है ना, ये हमेशा न्यूज में रहता है, आजकल थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, कई बार अच्छे रीजन के लिए, कई बार गलत रीजन के लिए। अब गलत रीजन के लिए मैंने आपको पहले दो चीजें बताई थी, पहला पहला तो इसने कह दिया था कि जेनरिक दवाइयां जो है, ठीक है, मैंडेटरीली कंपल्सरीली आपको उन्हीं को प्रेस्क्राइब करना है, अब उनकी एफिकेसी का पता नहीं, ठीक है, टेस्टिंग की क्वालिटी इंडिया की आप जानती हैं, ठीक है, डॉक्टर को आप मजबूर कर रहे हो कि जेनरिक मेडिसिन ही प्रेस्क्राइब करो, अब जेनरिक मेडिसिन कर लो यानी कि कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो अब वो जो सिर्फ आप एक फॉर्मूला होता है वो कि इस फॉर्मूले से बनी हुई दवाई देनी है, तो वो फिर शॉपकीपर जो है मेडिकल वाला उसकी मर्जी हो जाती है, वो किसी ब्रांड की पकड़ा देगा आपको, ठीक है, किसी भी कंपनी की बनाई हुई, सिर्फ वो फॉर्मूला होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो उसकी एफिकेसी पे डाउट था, ओके, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, फिर इसको रिपील कर दिया गया। दूसरा ही लेके आए थे कि 1 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट, 1 लाख नहीं सॉरी, 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन के अगेंस्ट सिर्फ 100 मेडिकल सीट होनी चाहिए, ठीक है। तो साउथ स्टेट ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारे पास ऑलरेडी सीटें ज्यादा हैं, ठीक है, जैसे तमिलनाडु है कुछ 7.5 करोड़ कुछ पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी 11-12 हजार सीटें हैं, ठीक है, अगर इस रेशियो के हिसाब जाएंगे तो कुछ 7 हजार सीट ही हो सकती है, तो क्या अब मैं क्या करूँ कि कॉलेज में अपनी कॉलेज बंद कर दूं, सीटें रिड्यूस कर दूं, क्या कर दूं, और फिर मेरे यहाँ अगर मेडिकल मेडिकल की ज्यादा डिमांड है तो फिर मैं क्यों ना खोलूं, ठीक है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म बना, ठीक है, सदर्न स्टेट्स को पसंद नहीं आया, ठीक है। और अब तीसरा ये है कि इसने कहा है, लास्ट ईयर इसने नोटिस दिया था सभी मेडिकल कॉलेजेस को कि आपकी जो फैकल्टीज है ना उनकी अटेंडेंस ऑनलाइन जमा कराइए, ठीक है। तो इट्स सेंड नोटिसेस टू नियरली हाफ ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया फॉर फेलिंग टू मेंटेन एटलीस्ट 75% अटेंडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स ओवर ए 3 मंथ पीरियड। अब ऐसा तो नहीं है कि टीचर आ रहे हैं पढ़ाने, फैकल्टी आ रही है, बट वो अटेंडेंस नहीं लगा रही है, इसका सिंपल मतलब है कि उन कॉलेज में फैकल्टीज की ही शॉर्टेज है, तभी तो आप 3 महीने तक उनकी अटेंडेंस का वो शो नहीं कर पा रहे हो, राइट। देयर इज दिस शॉर्टेज इन अटेंडेंस रिपोर्टेड ऑन ऑनलाइन आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम इज मोस्ट लाइकली टू बी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इटसेल्फ। ओके, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर फैकल्टी मेंबर्स टू मार्क दी अटेंडेंस ऑनलाइन। और ये इस तरह की चीज है ना, ये आप मेडिकल कॉलेज में कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आपको अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में भी करना चाहिए, ठीक है। लोग जॉब तो ले लेते हैं गवर्नमेंट टीचर बनने की, बट आते नहीं है पढ़ाने, स्पेशली बैकवर्ड एरियाज में। हाउ दी रेबेलवा और जयशंकर की विजिट हमने देखी ली है द हिंदू के, ये सब फालतू की बातें, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ताइवान वोटर वो जीता है हमने देख लिया, यूएस स्ट्राइक यमन हमने देख लिया, हाँ ओके, आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पर ये हमारा एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये भी वही करता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको गारंटी देता है।
ओके, गवर्नमेंट इज मलिंग ऑन यूजिंग ऑफ अल्टरनेट ट्रेड रूट. अब अल्टरनेट ट्रेड रूट क्या है? वही है, साउथ अफ्रीका से होते हुए जाइए फिर आपका केप ऑफ गुड होप से, ठीक है. या फिर दूसरा ट्रेड रूट जो इसराइल बनाना चाह रहा है सऊदी अरेबिया के थ्रू, लैंड रूट जिसको हम कह रहे हैं, लैंड रूट, ठीक है, रोड के थ्रू, ठीक है, अल जबैल पोर्ट के थ्रू होते हुए यहाँ पे दुबई तक आएगा, तो हम अपना कार्गो दुबई पहुंचा दें, फिर सऊदी अरेबिया से रोड से होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक, यानी कि जो इसराइल के पोर्ट का नाम क्या है, हाइफा, अडानी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वहां तक हाइफा तक जाएगा और फिर वहां से मेडिटेरेनियन के अक्रॉस यूरोप में चला जाएगा, ठीक है. तो एक ऑल्टरनेटिव ये रूट ये हो गया लैंड बेस्ड, ठीक है. या फिर आप साउथ अफ्रीका को पूरा सर्कुलेट करके जाइए केप ऑफ गुड होप से, ठीक है. तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि अगर रेड सी में इसी तरह इशू चलते रहे तो हम ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे, या फिर ईरान के साथ कुछ रैपो बनाते हैं कि हमारे फैसल पर अटैक ना किया जाए. एंड इट इज ऑल्सो आस एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन नॉट टू रेज द इंश्योरेंस प्रीमियम अमिड द राइजिंग कॉस्ट ऑफ शिपिंग टू यूरोप अमिड द राइजिंग टेंशन इन द रेड सी, ठीक है. तो ये अपने प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ाने वाला था, तो गवर्नमेंट कह रही है अभी मत बढ़ाइए. अब ECGC के बारे में जान लेते हैं. इट इज ए होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड गवर्नमेंट एंटरप्राइज विच इज मैंडेटेड विद बूस्टिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग दैम विद क्रेडिट इंश्योरेंस कवर. इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है. ब्रेंट क्रूड इसकी वैल्यू में जंप आया जब से यूएस यूके ने हाउथी रेबल्स पर अटैक करना शुरू किया है, यानी कि ऑयल महंगा होता जा रहा है. ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन. ओके, तो ये हो गया आज आपको मीन्स 450 प्लस में एटलीस्ट 2 से 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज पर प्रॉपर लेक्चर अपलोड किए जाएंगे, ठीक है. एंड प्रिलिम्स की रिवीजन सीरीज चल रही है अपने तरीके से, अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.